हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा, एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लांट कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है, एंड कोटा के एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है, मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइस? 31st of July को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4th of August को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कार्नोट इंजन। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं, ऐसा कोई साल ही नहीं गुजरा जिससे इस पे सवाल नहीं आए हो। पिछले साल की बात किया जाए तो 2-3 सवाल आते ही आते हैं। नीट में भी हर साल सवाल आता है कार्नोट साइकिल के ऊपर। अगर थर्मोडायनेमिक्स को सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं हर 2 साल में एक सवाल तो इसके ऊपर होता ही होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है कार्नोट इंजन। आज के बाद तुमसे प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्नोट इंजन से। पहले अपने को हीट इंजन समझना पड़ेगा कि कोई भी हीट इंजन, जो नॉर्मल हीट इंजन होता है, वो काम कैसे करता है। तो यार, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अपना सोर्स, एक होता है इंजन, दूसरा होता है सिंक। सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे सोर्स होता है, सिंक लो टेम्परेचर पे होता है, और बीच में होता है इंजन। इंजन क्या करता है? सोर्स से कुछ एनर्जी लेता है, जिसको हमने बोला इनपुट। इसने इंजन सोर्स से कुछ एनर्जी ली, इंजन ने उस एनर्जी का कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट करता है और बचे हुए हिस्से को सिंक में दे देता है। यानी कि देखा जाए तो मेरा जो वर्क है वो है जितना एनर्जी ये लिया और जितना इसने सिंक में दिया, दोनों को माइनस कर दो, तो यही इंजन वर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन क्या प्रोड्यूस करता है? वर्क प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो किसी भी इंजन की इफिशियंसी क्या होती है कि इतने हीट में उसने कितना वर्क में कन्वर्ट किया। यानी कि इफिशियंसी इज डिफाइंड एज वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी व्हिच इट हैज टेकन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितना एनर्जी लिया अपॉन Q1 into 100। ये किसी भी जनरल इंजन की एफिशिएंसी ऐसे डिफाइन करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क होगा मेरा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 into 100। दिख रहा है भाई? डिवाइड कर दो, ये आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। यही मेरा आ गया परसेंटेज इफिशियंसी। ये हर इंजन का फंडा होता है। एनर्जी लेता है सोर्स से, इंजन क्या करता है उस सोर्स की एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क में बदलता है, बचा हुआ हिस्सा सिंक में डाल देता है। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है और सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर किसी भी इंजन की ये हो गई। अब इसके ऊपर एक सवाल देखो। मान लो मैंने बोला कोई एक इंजन, ये जो पूरा प्रोसेस है एनर्जी लेना, वर्क में कन्वर्ट करना और एनर्जी वापस देना, ये सारा प्रोसेस सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक सवाल दिया कि भाई अ साइक्लिक प्रोसेस हैज 3 स्टेप। समझना ये क्या है। मतलब क्या है कि ये इंजन साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है। ये जो इंजन है अपना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है जो कि 3 स्टेप का है। ठीक है, पहले स्टेप में जो हीट इन्वॉल्व्ड है वो तीनों दिया हुआ है, तीनों स्टेप का हीट इन्वॉल्व्ड दिया हुआ है। ठीक है, और 2 स्टेप का वर्क डन दिया हुआ है, और उसने बोला है कि 3rd स्टेप का वर्क डन बताओ और इफिशियंसी बताओ। मतलब देखा जाए तो ये सवाल बहुत सिंपल है। एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है जो कि 3 स्टेप का है, तीनों स्टेप का क्यू दिया हुआ है, 2 स्टेप का वर्क डन दिया हुआ है, 3rd स्टेप का वर्क डन पूछा है और इफिशियंसी पूछा है। मतलब क्या हुआ कि ये तीनों साइक्लिक प्रोसेस इस इंजन में हो रहा है, तो उसका इफिशियंसी बताओ। अब तुम देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, बिल्कुल उसी डिफिनेशन पे रहना। हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। घूम के आगे डेल्टा यू 0, यानी कि जो डेल्टा यू अगर 0 है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन मेरा डेल्टा क्यू के बराबर होगा। तीनों प्रोसेस का क्यू दिया हुआ है, जोड़ दो 1300
माइनस 200 प्लस 700, ये मेरा हो गया Q. दैट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3. W1 और W2 अपने को पता है 450 माइनस 100, लेकिन अपने को W3 नहीं पता है. यहां से तुम इजिली W3 की वैल्यू निकाल सकते हो. अब अपन बात करते हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी क्या होगा इस साइकिल का. इफिशियंसी क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी विच इट हैज टेकन फ्रॉम द सोर्स. मतलब जो एनर्जी हमने उसको दी है, सोर्स ने दिया है, उससे डिवाइड करना है. यानी कि वर्क की बात की जाए तो भाई तीनों को अगर जोड़ दो तो ये तो वर्क है, तीनों को अगर जोड़ दो तो ये वर्क है. यानी कि वर्क की वैल्यू आ गई 1800 जूल. देखना कैलकुलेशन, वर्क की वैल्यू आ गई 1800 जूल. तीनों को जोड़ दिया क्योंकि यही मेरा W के बराबर है, ये मेरा वर्क है. लेकिन जब इफिशियंसी की बात होती है तो वर्क को अपन किससे डिवाइड करते हैं ये बताओ. वर्क को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? जो एनर्जी इसने लिया है, देने वाली एनर्जी से अपने को मतलब नहीं है, Q2 से मतलब नहीं है, जो एनर्जी लिया है उससे मतलब है. कितना एनर्जी लिया? जो एनर्जी मेरा पॉजिटिव है वही लिया. यानी कि 1300 प्लस 700 ये एनर्जी लिया है, तो अपॉन 2000 इनटू 100 दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल. किसी भी हीट इंजन में यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, चाहे कोई भी हीट इंजन हो, चाहे वो कार्नोट इंजन ही क्यों ना हो, यही प्रोसेस इन्वॉल्व हो. अब देखो बच्चों, एक सवाल देते हैं. ये सवाल क्या है कि मैंने क्या बोला कि एक साइक्लिक प्रोसेस किसी इंजन के अंदर हो रहा है. एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि किसी इंजन के अंदर हो रहा है. मेरे को बोला कि इफिशियंसी बताओ. अब उस इंजन के अंदर चार प्रोसेसेस हो रहा है. देखो अगर मैं नाम दूं तो ये रहा ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. अब इस चारों प्रोसेस के लिए इंजन के अंदर हो रहा है ये. अब मेरे को बोला कि भाई इफिशियंसी बताओ इंजन का कितना है. इफिशियंसी होता है टोटल वर्क अपॉन एनर्जी विच इट हैज टेकन फ्रॉम द सोर्स. सोर्स से जो एनर्जी लिया है उससे डिवाइड करेंगे, जो दिया है उससे मतलब नहीं है. अब हर प्रोसेस को मैं गौर से एनालाइज कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ए से बी वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है. तो ए से बी है मेरा आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और देखा जाए तो वॉल्यूम फाइनली कम हो रहा है, यानी कंप्रेशन हो रहा है. तो कंप्रेशन में आइसोबैरिक के लिए डेल्टा क्यू जो होता है आइसोबैरिक का, वो होता है एनसीपी डेल्टा टी. ये होता है आइसोबैरिक का एनसीपी डेल्टा टी. अब डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव होगी ना, ए से बी जाओगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. यानी कि इसकी वैल्यू आने वाली है निगेटिव, जो कि अपने काम का नहीं है. निगेटिव डेल्टा क्यू मतलब निकाला इंजन ने, Q2 की बात है, अपने काम का ही नहीं है. अब B से C की बात करते हैं. जैसे तुम B से C की बात करोगे, कौन सा प्रोसेस है B से C? ये अपना हो गया तुम्हारा A से B. अब मैं बात करता हूं B से C. सोचना, B से C जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है. वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि W की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई. यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा W, सॉरी डेल्टा U. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू. अब डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी. टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर घटा तो डेल्टा क्यू निगेटिव आएगा. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. जल्दी से यहां पे एनसीवी डेल्टा टी लगाओ, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालो. ये अपने काम का है. नाउ सी से डी बात करते हैं. सी से डी में अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. यानी कि डेल्टा क्यू फ्रॉम सी से डी निकाल सकते हो तुम. कहां से? एनसीपी डेल्टा टी से. पॉजिटिव आएगा, अपने काम का है. अच्छा, अगेन डी से प्रेशर कम रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घटेगा, डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव आएगी. यानी कि डेल्टा क्यू फ्रॉम डी से ए जो आने वाला है वो अपना निगेटिव आने वाला है, और वो डेल्टा यू के बराबर होगा. ये अपने काम का नहीं है. अब मेरे को इफिशियंसी बताना है. परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन. पीवी ग्राफ के अंदर का एरिया अपने को वर्क देगा. बताओ एरिया कितना है? एरिया है पी नॉट इंटू वी नॉट. ये अपना एरिया हो गया अपॉन जो क्यू उसने लिया है. यानी कि मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं. यानी कि क्यू फ्रॉम बी सी और क्यू फ्रॉम सी डी एड कर दो, इंटू 100 कर दो, यही मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी किसी भी साइकिल की. ऐसी अपन प्रोसेस करते हैं, वर्क निकालते हैं, जो एनर्जी लिया उससे अपने को मतलब होता है. अब जो अपना कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन भी कोई खास नहीं है. इस इंजन के अंदर भी साइक्लिक प्रोसेस ही होता है, बट उस साइक्लिक प्रोसेस की खास बात होती है, दो आइसोथर्मल होता है, दो एडियाबेटिक होता है. देखना ये इसका ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ अगर बात की जाए तो ये होता है एडियाबेटिक. देखो एडियाबेटिक क्या हो रहा है? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन. इसमें एनर्जी अंदर जाती है, इधर से एनर्जी बाहर निकलती है. जो एनर्जी इसने लिया,
जो एनर्जी लिया इसी से मतलब है इसका एरिया, तो यहां पे जो इफिशियंसी डिफाइंड होगी वही वर्क अपॉन जो एनर्जी इसने लिया, जो दिया उससे अपने को मतलब नहीं है, Q2 वाले से मतलब नहीं है, Q1 वाले से मतलब है। ये एनर्जी मेरा Q1 है और ये एनर्जी मेरा Q2 है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एनर्जी लेता है अपने को इससे मतलब होता है, यहां से अपन इफिशियंसी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस प्रोसेस की एक खास बात होती है, वो खास बात क्या होती है, जो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो मैथमेटिकली TC अपॉन TH, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर अपॉन हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू T कोल्ड अपॉन T हॉट के बराबर आती है। ये एक खास बात होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, जो कि तुम प्रूफ देख सकते हो बहुत सारे बुक में दिया है। ये जो खास बात है ना एडियाबेटिक प्रोसेस की, बस यही बात इसको स्पेशल बनाता है। नॉर्मल इंजन के लिए इफिशियंसी ये होती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्ड को क्या लिखूंगा मैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, यानी कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। अब तुम सोचो कि Q2 अपॉन Q1 क्या है, T कोल्ड अपॉन T हॉट, तो इसीलिए यहां पर जो तुम फॉर्मूला देखते हो वो 1 माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट देखते हो और इंटू 100 देखते हो। तो ये जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है ये सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये खास तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें दो एडियाबेटिक है दो आइसोथर्मल, तो ये कार्नोट इंजन के लिए ही है, ये बाकी के लिए नहीं है। बाकी इंजन के लिए तो ये फॉर्मूला तो हर इंजन के लिए, चाहे वो कार्नोट हो चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे उसमें चार स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस हो या तीन स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई भी इंजन रहे, ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है। लेकिन कार्नोट इंजन की खास बात होती है कि जब हम Q2 अपॉन Q1 निकालते हैं ना, तो यहां पे टेम्परेचर टी हॉट होता है, यहां टी कोल्ड होता है, वो उसके रेशियो के बराबर आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला इसके साथ साथ एक एडिशनल फॉर्मूला आ जाता है, ये कार्नोट इंजन की खास बात होती है। बस अब देखो एक सवाल है, टी एच दिया हुआ है, टी सी दिया हुआ है, अपने को इफिशियंसी पूछा है, क्यू वन की वैल्यू दिया है, सब कुछ पूछा है अपने को। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस टी कोल्ड, गलती से भी इसको डिग्री में मत लेना, अपने को केल्विन में लेना है। 27 डिग्री बोले तो 300 केल्विन अपॉन 327 बोले तो 600 केल्विन, 600 इंटू 100 कर दोगे ये कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, ये 50% के आसपास आ जाएगा। पहली बात तो आ गया, इफिशियंसी की वैल्यू आ गई 50%। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा ये जो रेशियो है T कोल्ड अपॉन T हॉट, ये Q2 अपॉन Q1 के बराबर है, यानी कि 300 बटा 600 बराबर Q2 अपॉन Q1, Q1 200 दिया हुआ है, तो यहां से तुम इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि Q2 की वैल्यू 100 जूल के बराबर आ गई। अब Q2 की वैल्यू 100 जूल के बराबर आ गई, तो वर्क बताओ क्या हो गया, वर्क हो गया Q1 माइनस Q2, यानी कि 200 माइनस 100, यानी कि वर्क हो गया 100 जूल। इसी तरीके का बहुत सारा प्रोसेस देगा, इसके नीचे भी मान लो ये मेरा कार्नोट है, इसके नीचे भी एक इंजन स्टेप वाइज कार्नोट, पहले इसको सॉल्व किया फिर सेकंड वाले को सॉल्व किया, ऐसा सवाल जेई मेन 2019 में पूछ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया। तो कार्नोट इंजन की देखो, कोई भी इंजन का अगर मैं बात करूं, कोई भी इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन हीट विच इट हैज टेकन, पॉजिटिव वाली एनर्जी से डिवाइड करना है, निगेटिव वाली से अपने कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, कार्नोट इंजन की खास बात क्या होती है, जो Q1 अपॉन Q2 जो होता है वो T हॉट अपॉन T कोल्ड के बराबर होता है, या Q2 अपॉन Q1 T कोल्ड अपॉन T हॉट, वो जो रेशियो टेम्परेचर के टर्म में आ जाता है, ये कार्नोट की खास बात होती है। बाकी इसमें भी वही चीज है, इफिशियंसी वर्क अपॉन Q पॉजिटिव, इसमें कोई नया चीज नहीं, कोई नया इंजन नहीं है, बस ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म आता है ना, बस यही इसको स्पेशल बनाता है। इस प्रोसेस की वजह से हम इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ तो खैर तुम्हें बुक में मिल जाएगा, अपन नहीं करेंगे, वहां से मिल जाएगा। तो ये कार्नोट इंजन होता है, कुछ भी नहीं है, इंजन बोले तो भाई कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, उस प्रोसेस में अपने को वर्क देखना है और उस प्रोसेस में अपने को यह देखना है इंजन ने कितनी एनर्जी ली, दी नहीं ली, उससे अपने को मतलब होता है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस इंजन कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। आई बात समझ में? तो यह अपना फंडा पूरा हो गया क्लियर। अब इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट नहीं आने वाला, प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, जितना भी सारा सवाल है प्रीवियस ईयर का लगा के देख लेना, और जो भी डाउट हो कमेंट में कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर करना मत भूलना, बाय, टेक केयर, और गूगल फॉर्म फिल कर देना, गूगल फॉर्म जो भी इनरोल करना चाहते हो नए बैच में, गूगल फॉर्म फिल कर देना।